हालात की बात की जाए पिछले 5 साल में कुछ बदलाव दिखा है, कुछ लगा है, कुछ चेंज नहीं है? कोई बदलाव नहीं है ना, तो यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए जगह है जी। बेसिकली सबसे मेन दिक्कत है क्या है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। अगर किसी ने थोड़ी देर के लिए दुकान पे भी रुकना है तो गाड़ी लगाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं। पुलिस वाले आते हैं चलान करके गए यार, तो गाड़ियाँ बहुत कम होती है। राशनिंग होती है, वाटर की वो भी इशू है, टाइम पे पानी बिजली कोई नहीं है, पानी कोई नहीं आ रहा, पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है। प्रशासन तो बहुत होते हैं सर, पर काम उस लायक नहीं हो रहा सर। विधायक साहब है अगर 2017 से 22 तक उनकी कार्यशैली नहीं, हमारा विधायक बहुत शरीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। विधायक हमारा अनिरुद्ध है ना, वो बहुत शरीफ है, मगर वो भी कह रहे थे पैसे चाहिए उसको, उन्होंने घर से रोड बनाए। किसी के लिए उनको मतभेद नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे कोई बीजेपी पार्टी का हो। यदि आप उनको एक भी कॉल करते हैं तो आपके सामने एक मिनट में हाजिर होते हैं गाड़ी लेके, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे काउंसलर भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, ना तो काउंसलर काम करके राजी हैं, ना ही विधायक बेचारे कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, ये गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की। एक्समटी के विधायक का बहुत अच्छा स्वभाव है, लोगों से अच्छे मिलते जुलते हैं, तो एक्समटी से तो कोई मेरे को ना तक कोई परिवर्तन होने वाला है। जो 1965 में थी वही आज 2020 में, ये क्यों तरक्की नहीं कर रही? आज तक कोई भी सरकार आई, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, ना तो यहाँ कोई टॉयलेट बना सके, ना जब से मैं देख रहा हूँ ना आज तक कोई कार पार्किंग बना सके, ना कोई साइकिल स्टैंड बना सके। शफलिंग जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होती रही है, सो इस बार तीसरी एक और पार्टी नहीं आ चुकी हुई है, सो वो भी मैदान में उतर गई। हाँ जी, मेन बात है सर लीडर रहे, अगर लीडर एक्टिव रहेंगे, अगर लीडर अगर प्रोग्रेसिव रहेंगे तो नेचुरली है ना ग्रोथ होगी। लगता है कुछ बदलाव आ सकता है? हाँ आ सकता है, ऐसा क्यों नहीं आएगा, जब दिल्ली में बदलाव आ सकता है तो हिमाचल में क्यों नहीं आता? आम आदमी पार्टी का तो ऐसा कुछ लगता नहीं, इन दो में ही होता है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकते, पहले बंदे नहीं मिलते हैं, आज यही नहीं पता बंदा है कौन आम आदमी पार्टी। जैसे वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हो सकता है वो कर दें, लोगों को आस तो है, उम्मीद है कहीं ना कहीं, लोगों को जो उम्मीद है ना वो आम आदमी के ऊपर कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ साहिल। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक है, बात की जाए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा क्षेत्रों की तो आज हम मौजूद हैं कसुम्पटी क्षेत्र में। कसुम्पटी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफ़ी टक्कर का रहा है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो इस बार हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी काफ़ी एक्टिव है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल प्रदेश में रैली करने आ रहे हैं, पर इसका असर लोगों पर कितना होगा? लोगों से पूछेंगे कि क्या जो विरासती पार्टी यहाँ पे चली आ रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लोग उन्हें चांस देंगे, उन्हें मौका देंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव लाएंगे? आइए चलिए करते हैं बात कसुम्पटी के लोगों से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्याएं और क्या है उनकी राय। जी सर, क्या नाम है आपका? सर श्रील सरस्वती। तो सर कैसे देखते हैं आप, क्या समझते हैं, क्योंकि अभी 2022 के चुनाव जो हिमाचल वाले आने वाले हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सुमटू के लोगों की असल एक्चुअली कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो आज तक कहीं ना कहीं अब ये मान लें कि हल हुई नहीं है, विधायक साहब ने सुनी नहीं, या फिर जो आपके विधायक साहब मौजूदा हैं उनकी कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? सर अभी तक देखो आपके सामने ही है, अभी काम चले हुए हैं, कुछ काम पेंडिंग है, कुछ रोडों के वाइडनिंग के काम चले हुए हैं, बाकी सर बेरोज़गारी है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं होटल रेस्टोरेंट यूज रन कर रहा हूँ तो उसमें सर 2500 का सिलेंडर हो गया हुआ है, महंगाई देख ही रहे आप कितनी चीज़ कहाँ से कहाँ आ गई हुई है जी। सर अभी तो फिर बेसिक, जब तक बंदे को बेसिक ज़रूरत है, ये जब तक बेसिक ज़रूरत है जब पूरी हो जाए तभी तो आगे सोचेंगे जी। ऐसा है सर। सो क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, लोगों ने अपना नुमाइंदा फिर से चुनना है, एक सीट जो होती है एक जिम्मेदार इंसान को लोग चुनते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। आम आदमी पार्टी भी इस बार कंपटीशन में आ रही है, इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर कांटे की टक्कर थी, तो इस बार आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से कुछ प्रभाव पड़ सकता है? सर आम आदमी आने से प्रभाव तो पड़ेगा ही, जैसे दिल्ली में चेंजेस आए हैं जी, अब यहाँ पे हिमाचल का अभी एग्जैक्टली अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोल सकते कि क्या रुझान रहेगा। वैसे तो कांग्रेस की तरफ ही जाना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे अभी इलेक्शन को देखते हुए, जैसे लास्ट टाइम बीजेपी आई है जी,
फिर इस टाइम कांग्रेस है, बस वही हो रहा है कई सालों से जी। तो अगर आप आ जाती है तो फिर वही बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि शफलिंग जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होती रही है। सो इस बार तीसरी एक और पार्टी नहीं आ चुकी हुई है, सो वो भी मैदान में उतर गई। हाँ जी, मेन बात है सर लीडर पे, अगर लीडर एक्टिव रहेंगे, अगर लीडर अगर प्रोग्रेसिव रहेंगे तो नेचुरली है ना ग्रोथ होगी जी। पर अगर सर अगर जैसे जिस हिसाब से काम हो रहे हैं उस हिसाब से देखो भी आने वाले टाइम में क्या मतलब लगता है कुछ बदलाव आ सकता है। हाँ आ सकता है सर, क्यों नहीं आएगा, जब दिल्ली में बदलाव आ सकता है तो हिमाचल में क्यों नहीं आ सकता। सर क्या नाम है आपका? सबूपेंद्र ठाकुर। सो ठाकुर साहब क्या लगता है आपको, जो कसुमटी के अगर हालात की बात की जाए, पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव दिखा है, कुछ लगा है, कुछ चेंज नहीं है? कोई बदलाव नहीं है ना, तो यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए जगह है जी बेसिकली। सबसे मेन दिक्कत है क्या है, यहाँ पे पार्किंग नहीं है। अगर किसी ने थोड़ी देर के लिए दुकान पे भी रुकना है तो गाड़ी लगाने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। पुलिस वाले आते हैं चलान करके चले जाते, तो गाड़ियाँ बहुत कम रुकती है। और बेसिकली दूसरा है कि पानी जी, पानी कंटिन्यू नहीं है, पानी ठहर ठहर के आता है, या तो दूसरे दिन देते हैं सप्लाई या दूसरे दिन आ रही है, कंटिन्यू पानी नहीं है। मेन समस्या तो सर यही है, मेन समस्या मतलब पार्किंग और पानी की, मेन की समस्या है। ओके, सो अगर बात की जाए जो पिछले 5 साल से विधायक साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके पास लोग तो जाते होंगे समस्याओं को लेकर, क्या उनका उनकी तरफ से कुछ हल करने की कोशिश की गई, कोई आश्वासन दिए गए, कुछ वादे किए गए? आश्वासन तो बहुत होते हैं सर, पर काम उस लायक नहीं हो रहा सर बेसिकली। सो लगता है कि अब अक्सर देखा गया है कि शिमला की अगर बात की जाए, कसुमटी की बात की जाए, सीट हमेशा कांग्रेस या बीजेपी के अंदर ही आती है, इस बार ये आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है, तो लगता है कुछ बदलाव आ सकता है, लगता है कुछ चेंज आ सकता है, लगता है कुछ राजनीति के ऊपर असर पड़ सकता है? सर वैसे तो देखिए शिमला में बेसिकली जो है ना इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता तीसरी पार्टी का, क्योंकि पहले भी ये कम्युनिस्ट भी होते थे, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता कसुमटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लगता है मतलब कोई बदलाव आने का आसार नहीं है, वही पार्टी दोबारा से पार्टी सर वही आती है, या बीजेपी रिपीट होगी या कांग्रेस आएगी जी। पर लास्ट जो है 10 ईयर से कांग्रेस ही है सर। क्या नाम है मैम आपका? सोनम। सोनम जी आपको क्या लगता है कि अगर बात की जाए कसुमटी की, तो कसुमटी की मेजर इश्यूज ऐसे कौन से हैं जो अगर बात की जाए पिछले 2017 से 2022 तक आज तक कम्प्लीट नहीं हुई या उनको देखा ही नहीं गया? एक तो पार्किंग बहुत मेजर इशू है, यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, दैट इज़ द मेजर इशू। प्लस जो राशनिंग होती है वाटर की, वो भी इशू है। बस यही तो काफ़ी मेजर इशूज है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ है नहीं। अदरवाइज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हैं वो बाकी ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रही है, रेस्ट ऑफ थिंग्स आर फाइन। एंड जो आपके विधायक साहब हैं यहाँ के, क्या वो लोगों में आते हैं, बात करते हैं कि मतलब वो ऑफिस से? नो आई हैवंट सीन हिम, नो आई हैवंट। And I guess presently इस वो कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ पर, right? I have no idea of it. Okay. So if I just talk about it, एक नॉर्मल से हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी भी इस बारी जो है इलेक्शंस में आ रही है हिमाचल में, सो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने से जो बाकी की दो पार्टीज हैं उनकी राजनीति में कुछ असर दिख सकता है? पॉजिटिवली इफेक्ट तो होगा, इफेक्ट होगा। राइट, क्या लगता है कि लोग किस तरफ को इफेक्ट जाएंगे, मतलब पॉजिटिव होगा आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा वो अब दे डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम बोथ दी पार्टीज नाउ, दे नीड अ चेंज एंड दे आर लुकिंग फॉर अ गुड चेंज, सो मे बी आप इज अ बेटर चेंज फॉर देम नाउ। राइट, ओके। सर क्या नाम है आपका? गुलाम अहमद। ओके, सो आपको क्या लगता है सर कि जो यहाँ पे कसुमटी में हम बात करें तो क्या हालात है कसुमटी के, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं तो कई हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब ठप है, अब लोग चाहते हैं आम आदमी को। अच्छा, लोग आप आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी को चाहते? कर रहा है ईमानदारी से, कर रहा है बस यही है सर, बस यही ईमानदारी से चल रहे हैं, इसलिए आम आदमी कश्मीर में भी आ जाएगा, वहाँ भी ठीक है, सब चाहते हैं अब यही। इनसे तंग आ गया जी। सर क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी क्या लगता है आपको, अगर हम बात करें 2017 से लेकर 2022 तक की, अब इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर बात कीजिए तो यहाँ के विधायक साहब की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं कसुमटी के? एक्चुअली जो कसुमटी के विधायक साहब हमारे अनुर सिंह राणा जी, वो यहाँ के एक बहुत ही मजबूत इंसान है और वो मतलब कि हर इंसान की हेल्प करते हैं, और ये ऐसे नहीं है मतलब कि किसी के लिए उनको मतभेद नहीं है, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या कोई बीजेपी पार्टी का हो, यदि आप उनको एक भी कॉल करते हैं तो आपके सामने एक मिनट में हाजिर होते हैं गाड़ी लेके, वो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। और उनकी सबसे मेन खासियत है अभी वो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये मतभेद नहीं होता है अभी ये यदि ये दूसरी पार्टी का आदमी, मैं इसका काम ना करूँ, वो उस आदमी का सबसे ज़्यादा काम करते हैं जो दूसरी पार्टी का आदमी हो। और कसुमटी की, तो कसुमटी की मेजर प्रॉब्लम्स क्या रही हैं? मेजर प्रॉब्लम जो कसुमटी की थी हमारी, सबसे पहले इशू यहाँ जो
था, स्ट्रीट लाइट का था, जो ये आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है बड़ी, ये उन्हीं की देन है, बाजार में स्ट्रीट लाइट खराब थी, ये जो इतना बड़ा खंबा आपको दिख रहा है ये उन्होंने अपने फंड से लगाया 8 लाख रुपये कुसुमटी जार को दे के, ये वाला जो स्ट्रीट लाइट बाजार की चौकी है उन्हीं के फंड से लगी है, और वो अपनी ओर से तो फंड देने को तैयार होते हैं, यदि पब्लिक ही नहीं जाए उनके पास तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली पब्लिक भी कुछ ऐसी है भी कुछ जाने से डरती है, कुछ ऐसे होती है, पर उनकी तो मेन ये उन्होंने ये कहा हुआ पब्लिक को, अपने कुसुमटी क्षेत्र से ही वो जीते थे, तो उन्होंने कहा भी आप जब भी मुझे कॉल करें मैं आपके समक्ष हाजिर होऊंगा, तो उनकी मेन यही रहती है भी मैं हर बंदगी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अक्सर देखा गया कुसुमटी में बीजेपी और कांग्रेस के अंदर टकराव रहा है, मुकाबला रहा है, इस बार ये आम आदमी पार्टी भी उतर रही है, तीसरी एक नई पार्टी उतर रही है, तो क्या लगता है कि उनका वर्चस्व क्या होगा इस बार? उनका वर्चस्व तो ऐसा ही भाई, वो तो उनको तो ना बीजेपी हरा सकती है मेरे उससे, ना आप पार्टी हरा सकती है, क्योंकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और दोनों बार 12+ से ऊपर से ही जीते हैं, और जिस हिसाब से वो अपना कार्यकाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो उनके बैकफिट में मेरे हिसाब से कोई भी कैंडिडेट वो नहीं करता है उनके सामने जो स्टैंड करता है, और एक सीधे साधे से इंसान है, यदि आप उनसे बाई चांस कभी मिलें तो आपको खुद उनका पता लगेगा बस क्या किस किस्म के इंसान है वो। हाँ जी, ग्रेट इंसान है। जी सर, क्या नाम है आपका? हम बोल सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, क्या लगता है आपको, अगर बात की जाए कुसुमटी क्षेत्र की, तो कुसुमटी क्षेत्र के लोगों की सबसे मेजर प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है क्या? मेजर प्रॉब्लम देखिए, एक तो टाइम पे पानी बिजली कोई नहीं गया, पानी कोई नहीं आ रहा है जी, ठीक है नहीं, पानी चौथे दिन आ रहा है पानी, बताओ मेरे को क्या करना है हमने बिना। अगर एक प्रॉब्लम और देखो नहीं, हमने पीछे 2 साल पहले नारेबाजी की, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, हमारे एजेंसी ने फाइल हाउस करा दी, हम चलान आज तक भुगत रहे हैं, और ये अब आप पानी नहीं, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या, बताओ मेरे को, जो ऊपर डी जी बैठा है, एम डी बैठा है, इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, इनके ऊपर भी एफ आई लॉज होनी चाहिए, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट करती है, देर पेड फॉर इट, हम तो नहीं बैठे, तनख्वाह ले रहे मुफ्त में थोड़ी कर रहे हैं। अगर एक चीज और है, अगर मैं काम गलत करता हूँ तो दुध कहता है इसको अंदर कर दो, पेड़ काटा मैंने एक बार, मेरे से प्रैक्टिकल हुई बात ये, मैंने पेड़ काटा एक बार झांक की, उन्हें मेरे धुआं दे दिया और 2 साल में चलान लड़ता रहा, तो पानी के बाद आपको समझ नहीं, अभी तक पेशियों पर उतरे हम, तो क्या फायदा उस चीज़ का। तो क्या लगता है सर, कि जो आपके विधायक साहब हैं, अगर 2017 से 22 तक उनकी कार्यशैली क्या है? नहीं, हमारा विधायक बहुत शरीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ मैं, विधायक हमारा अनिरुद्ध ना, वो बहुत शरीफ है, मगर वो भी कह रहे थे पैसे चाहिए उसको भी, उन्होंने घर से लौट बनाए। ठीक है, तो सर आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम कमल नयन शर्मा है जी। सो शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि कैसे जो सर ने बातें बोली, कि आप उनसे मतलब सहमत हैं या क्या समझते हैं कि कुछ है जो चीज़ें की जरूरत थी जो अब तक नहीं हो पाई, विधायक साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, विधायक साहब तो जेन्युइन आदमी है जी, नो डाउट अबाउट दैट, है ना जी। तो यहाँ की जो समस्या है जी, एक तो पार्किंग की बड़ी भारी समस्या है, जैसे हम लोग हैं पुराने लोग, पहले बाजार यहीं तक होता था जी, ये मंदिर है ना जी, यहीं तक होता था छोटा सा बाजार, ठीक है। अब जैसे हम काफ़ी आगे तक फैल गया है, तो जो हमारे बाजार के जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी हैं, उनको अपनी गाड़ी खड़ी करनी हो तो बड़ी समस्या आती है। जहाँ भी गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी सड़कों के आगे लगा लिया कि रिजर्व पार्किंग रिजर्व फॉर रेजिडेंट्स ओनली, सड़क के ऊपर भी बोर्ड लगा लिया है। तो एक तो हमारे को ये बड़ी भारी समस्या है जी कि मतलब, और दूसरा ट्रैफिक की बहुत समस्या है जी, कि यहाँ से देखिए अब आप ही देख रहे हैं आपके सामने ही, मतलब कितना मतलब बुरा हाल है। तो ट्रैफिक की और पार्किंग की यहाँ मेन समस्या है जी। पानी भी आजकल जो है 3-4 दिन के बाद आ रहा है जी। तो लगातार देखा जाता है, अगर मैं कुसुमटी की बात करूं, क्षेत्र कुसुमटी की बात करूं, तो जो सीट है वो ज़्यादातर उसकी जो टक्कर रहती है वो बीजेपी और कांग्रेस में रहती है, इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो लगता है कुछ चेंज आने की संभावना है कि लोग क्या समझे? आम आदमी पार्टी का तो नहीं कुछ ऐसा लगता है, आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी पार्टी का तो ऐसा कुछ लगता नहीं जी, इन दो में ही होता है जी मुकाबला। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे सर जी, बताइए। आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्या कुछ नहीं कर सकती, पहले बंदे नहीं उनके, आज तक यही नहीं पता बंदा है कौन आम आदमी पार्टी का, बाकी कुछ नहीं, आम आदमी बेकार है, सोचबाजी है, जो करते रहो तो करते रहो। केजरीवाल साहब तो बड़ी रैली कर रहे हैं मंडी में, भगवंत मान साहब बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं वहाँ पे, तो लगता है उसका कुछ असर? केजरीवाल जी ने अभी 5 MP बनाया, कौन किस पार्टी के बंदे, कहाँ से आए, क्या चीज है, ये बताओ मेरे को, आप इंटरव्यू ले रहे मेरा, आप भी बताओ ना क्या हो रहा है जी। जी सर, जैसे आप केजरीवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, तो जैसा हाल जिस ढंग से वो फ्री दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, तो जैसा हाल आजकल की डेट में श्रीलंका का हो रहा है जी, उसी प्रकार की सिचुएशन में हम चले जाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है।
और मैं 1965 से यहाँ बसा हूँ। ठीक है सर, एंड आपका नाम क्या है सर? अश्विनी सूद। अश्विनी सूद जी। सो सिंह साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर हम बात करें कसुमटी की, तो कसुमटी के अंदर आपको क्या लगता है कि मेजर इश्यूज क्या हैं जो यहाँ के विधायक साहब या कोई भी या मौजूदा इससे पहले विधायक आज तक देख ही नहीं पाए, जो जो कसुमटी चाहता है पर उसको मिल नहीं पा रहा? देखो जी, बात ऐसी है, यहाँ हमारे काउंसलर भी हैं, हमारे विधायक भी हैं जी, ना तो काउंसलर काम करके राजी है, ना ही विधायक बेचारे कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के हैं जी, ये गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है जी। तो जो हमारा काउंसलर था वो तो हमारा ठीक इसी पार्टी का था, गवर्नमेंट का था जी। लेकिन अफसोस हमें ये कहना पड़ता है कि इतने दुख के साथ, हमारे सुख के साथ हमारी गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी बनाना शुरू किया जी, सारा कुछ बना दिया, करोड़ों रुपया छोटे शिमले से कसुमटी चौक तक लगा दिया जी, और मंदिर से करोड़ों ही रुपया इन्होंने स्कूल तक लगा दिया जी, लेकिन कसुमटी बीच में छोड़ दिया। कसुमटी जो 1965 में थी वही आज 2020 में है, ये क्यों तरक्की नहीं कर रहे? आज तक कोई भी सरकार आई, हम सरकार को दोष नहीं दे रहे, ना तो यहाँ कोई टॉयलेट बना सके, ना जब से मैं देख रहा हूँ ना आज तक कोई कार पार्किंग बना सके, ना कोई सारा साइकिल स्टैंड बना सके। क्या करना है हमने सरकार से, क्या लेना है? हम तो उल्टा टैक्स देते हैं इन लोगों को जी, हर चीज़ इनको देते हैं, लेकिन फिर भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये कसुमटी को नहीं सुधार सके। क्यों नहीं सुधार सकते, ये सरकार जाने या यहाँ के लोग जाने जी। तो सूद साहब, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कि जी मेरा कुछ नहीं, बंदूक मोटे से रखेंगे दूजे से। सिंह साहब, क्या समझते हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि ज़्यादातर देखा गया है कि कसुमटी में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ही सीट जो शफल होती रही है, अब आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में उतर आई है इस वक्त कंपटीशन में, तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है, इस कुछ बदलाव आ सकता है कि लोग फिर उन्हीं का साथ देंगे? नहीं, अभी आम आदमी पार्टी इतनी नहीं आई ऊपर, लेकिन हो सकता है जिस हिसाब से पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई है, आपकी पार्टी आ गई है, तो हो सकता है कि लोग दुखी होकर इसको यहाँ ना ले आए, पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर ये गवर्नमेंट ही काम करेगी, पिछली गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, आगे उनको काम को करने नहीं दे रहा, तो नेचुरल बात है जो लोग हैं एडमेंट होकर दूसरी पार्टी को कोशिश करेंगे लाने की, वो क्या करेंगे ये तो वही बताएंगे, या जैसे वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हो सकता है वो कर दें, लोगों को आस तो है ना, उम्मीद है कहीं ना कहीं, हाँ लोगों को जो उम्मीद है ना वो आम आदमी के ऊपर कुछ है। सर क्या नाम है जी आपका? मनसा राम। सर आपका क्या नाम है जी? कुलदीप वर्मा। मलखा राम जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कसुमटी की बात की जाए तो उससे 2017 से लेकर 22 तक आपके विधायक साहब की कार्यशैली क्या रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? ठीक रही है जी, बढ़िया रही है, उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल ठीक रहा जी। जी, अब आगे चुनाव आने वाले हैं, लोग जो अक्सर देखा गया है कि कसुमटी में या तो बीजेपी आती है या तो कांग्रेस आती है, तो क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी कॉम्पिटिशन में आ रहा है, तो लगता है कुछ बदलाव आने के आसार हैं? ऐसा अभी तक तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता अभी तक। तो कुछ कुछ दिक्कतें हैं कसुमटी के लोगों को, जिसको जिसको आप बताना चाहें कि ये प्रॉब्लम्स ज़रूर जो है हर विधायक के कोई भी कैंडिडेट उसको सॉल्व करे? दिक्कतें तो बहुत है, पर वो टाइम टाइम से होती रहेगी। कौन कौन सी जो दिक्कत मेन आती है? महंगाई की दिक्कत सबसे बड़ी है, सब पब्लिक को पड़ रही है, गरीब आदमी को असर पड़ रहा है जी। तो उसके अलावा और भी छोटे मोटे काम बहुत ऐसे हैं जो कि मतलब पानी की दिक्कत रोज आती है, रोज नई से नई स्कीमें बनती है और काम एक भी वो सही नहीं होता, बस उनके नए नए कानून बनते हैं रोज, अखबार में रोज नई से नई न्यूज आती है। ठीक है, सो वर्मा साहब आपका क्या कहना है इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि कसुमटी के लोगों की असल समस्या क्या है जो आज तक कहीं ना कहीं हल ही नहीं हुई? कसुमटी के जो विधायक है उनका जो बात करने का तरीका सबसे अच्छा है, सब लोगों से मिलते हैं, सब लोगों के काम करते हैं, जो उनके पास जाता है वो सबके काम प्रायरिटी पे करते हैं। जहाँ तक कसुमटी की समस्या की बात है, यहाँ पीछे जो कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तो कसुमटी जो बाजार है, कैसा बाजार है जहाँ कुछ लोग आते हैं और टॉयलेट ढूंढते हैं कि टॉयलेट कहाँ है, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। हम तो ये भी चाहेंगे चलो सरकार किसी की भी हो तो कम से कम जो पब्लिक का जो डिमांड है कि ये टॉयलेट तो यहाँ पे बाजार में बनना ही चाहिए। जहाँ तक विधायक की बात, विधायक तो बहुत अच्छे हैं, सबके काम करते हैं, और जो भी उनके पास चाहेगा, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो,
किसी भी तरह का हो, सबके काम करते हैं। मेन मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उसकी समस्या कसुमटी में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई कोई बाहर का आदमी आता है तो वो बेचारा ढूंढता रह जाता है कि कहाँ टॉयलेट है, कहाँ जाए। ये तो कॉर्पोरेशन का काम है, कॉर्पोरेशन करवाए। सर ने पानी की बात भी किया, पानी की समस्या को आप समझते हैं कि वो भी जरूरी है? पानी का बहुत जरूरी है जी। पानी की अभी जो है, पानी आजकल पानी हफ्ते 10-10 दिन के बाद आ रहा है। तो जो डिपार्टमेंट के आदमी है, IPH के आदमी है या कॉर्पोरेशन के आदमी है, जब उनसे बात करते हैं तो कोई उनका जवाब ही नहीं मिलता। कोई बोलता है जी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कहीं बोलते पीछे से पानी नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है जी। तो क्या लगता है कि अब आने वाले समय में लोग फिर से यही सरकार या यही नुमाइंदे को चुनकर लाएंगे या फिर कोई बदलाव आने की संभावना है? क्योंकि BJP और कांग्रेस के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी वहाँ खड़ी है चुनाव में। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कसुमटी में है, कसुमटी के विधायक का बहुत अच्छा स्वभाव है, लोगों से अच्छे मिलते जुलते हैं, तो कसुमटी से तो कोई मेरे को लगता कोई परिवर्तन होने वाला है जी। हाँ जी, कसुमटी से तो कसुमटी के विधायक ठीक है। सो ये थे कसुमटी क्षेत्र के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कसुमटी के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। हालांकि अगर बात की जाए कसुमटी के लोगों ने मेजर जो समस्याएं बताई हैं वो है पार्किंग की, दूसरी समस्या उन्होंने बताई है ट्रैफिक की, तीसरी उन्होंने समस्या बताई है पानी की, और चौथी जो मेन समस्या उन्होंने बताई है कि जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनकी। क्योंकि लोगों का यहाँ पर कहना है कि काफ़ी समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों को जो सहूलियत इन चारों चीज़ों की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए मौजूदा विधायक की तो लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक इंसान तो अच्छे हैं पर किसी कारणों की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों का ये भी ज़रूर कहना है कि इस बार लगता है कि कुछ बदलाव आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय से जो विरासती पार्टी चलती आ रही है उन्हीं के पास ही सीट जा रही है। सो अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होंगे हिमाचल प्रदेश के तो कसुमटी क्षेत्र से कौन सामने आएगा, या फिर मौजूदा विधायक सामने आएंगे, किसी और विधायक को आना होगा, या फिर जो थर्ड पार्टी जो तीसरी पार्टी यहाँ पर आई है आम आदमी पार्टी, उनका कोई विधायक यहाँ पर आके कुर्सी संभालेगा। कैमरा पर्सन जसप्रीत के साथ साजन नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, कसुमटी।